हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके रक्षाबंधन को और ज़्यादा स्वीट बनाने के लिए। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी मलाई के लड्डू, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के लड्डू। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप सूजी, 1/4 कप मैंने यहाँ पे लिया है देसी घी, और लड्डू में डालने के लिए यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं, पिस्ता 15 से 20 दाने, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है, काजू सेम क्वांटिटी में, और बादाम 15 से 20 दाने, और यहाँ पे साबुत किशमिश मैंने रखा हुआ है, और साथ में है यहाँ पर ड्राइड कोकोनट जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। लास्ट में हमारे पास है 1 कटोरी मलाई मैंने ली है, क्योंकि हम सूजी और मलाई को मिला के लड्डू बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई मैंने ले ली है और गैस की फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम ही रखेंगे। पूरी प्रोसेस में गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम ही होनी चाहिए, तो इसे मीडियम कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे घी, वन फोर्थ कप यूज किया है, इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। घी हल्का सा गर्म हो गया है तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे सूजी, और इसे चला लेंगे। इसमें सूजी को हमें कॉन्टिन्यूसली चलाते रहना है, ये सूजी हमारी जलनी नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें फिर टेस्ट खराब आएगा। मीडियम फ्लेम पर हम सूजी को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। हल्का सा इसका कलर हम चेंज करेंगे और हल्की हल्की खुशबू इससे आने लगे तब तक हम इसे भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट इसे पकाते हुए हैं, अभी मीडियम फ्लेम पर मैं इसे चला रही हूँ। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट, ड्राइड कोकोनट जो मैंने कद्दूकस कर लिया था, 3 बड़े चम्मच में इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट इसे और भून लेंगे। तो 2 मिनट हमने इसे और चला लिया है और आप डिफरेंस देख सकते हैं, जो हमारी सूजी है वो हल्की हल्की गोल्डन होने लगी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे। तो इस स्टेज पर जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हमने कट कर रखे हैं वो हम ऐड कर देंगे। किशमिश को हम छोड़ देंगे, किशमिश हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। पिस्ता, बादाम, काजू, इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट हम इसे भून लेंगे, ताकि जो काजू और बादाम है, पिस्ता है, वो भी भुन जाए और उनमें भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। डिफरेंस आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, सूजी है, सब अच्छे से भुन गए हैं और एक प्यारा सा कलर इसमें आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मलाई, 1/4 कप फ्रेश मलाई मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मलाई अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें दूध का यूज कर सकते हैं, आप मिल्क ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसे बाइंडिंग के लिए बनाना है ताकि हमारे लड्डू जो है वो बन सके, तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। और साथ साथ में इसमें डाल देंगे हम शुगर, तो 1 कप पाउडर शुगर मैं यूज कर रही हूँ। कर लेते हैं,
एक मिनट इसे चला लेंगे। तो वापस से तकरीबन 2 मिनट मैंने इसे भून लिया है और हमारा मसाला जो है वो तैयार है। तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं और जो किशमिश हमने रखी थी लास्ट में हम वो ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस इतना ही ठंडा कि हम इसे हाथ में ले सकें और इसके लड्डू बना सकें। तो हल्का सा ठंडा कर लेंगे इसे। मिलते हैं 5 मिनट में। तो हमारा मसाला जो है वो ठंडा हो गया है और इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच जो है वो दूध ऐड किया है बाइंडिंग के लिए। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं, तो 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब इसके लड्डू बना लेते हैं। तो हम थोड़ा सा मावा ले लेते हैं, जिस भी साइज के लड्डू आपको चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारा लड्डू बनकर तैयार है। इसी तरह से बाकी सारे लड्डू बना लेंगे। अगर बाइंडिंग में प्रॉब्लम है तो आप मिल्क का ऐड करें, अदरवाइज मिल्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो मलाई भी ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा लास्ट लड्डू। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सभी लड्डू बनकर तैयार हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, लड्डू बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।